वेलकम टू शेफ सुनील्स कुकिंग क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट शेफ सुनील। हाँ जी, यही टेम्पटिंग फैंटास्टिक रेसिपी आप सीखेंगे आज के कुकिंग क्लास में। बनाना बहुत सिंपल है। ये रेसिपी को आप दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ड्राई पार्ट और एक है द वेट पार्ट। और ये कुकीज के इंग्रेडिएंट लिस्ट में है मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, बादाम 25 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, सोडा 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बटर 100 ग्राम, पाउडर शुगर 1/2 कप, चॉकलेट 100 ग्राम, चॉकलेट चिप्स 1/4 कप, वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून और 1 अंडा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिस्किट है ये, काफी सारा चॉकलेट है इसमें। तो सबसे पहले मैं एक मिक्सी का पॉट ले लेता हूं और इस पॉट में मैं डालूंगा मैदा 1 कप, कोको पाउडर 1/4 कप, 25 ग्राम बादाम, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये सब चीजों को हम अभी मिक्सी में अच्छे से घुमा लेते हैं ताकि ये जो बादाम है इसके भी पाउडर हो जाएंगे और सब इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह अभी आलमंड्स इसमें पाउडर हो गए हैं और सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो गए हैं। अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टेप, और वो है एक बोल में बटर और शुगर को क्रीम करना। एक बोल में आप 100 ग्राम बटर ले लीजिए, एक पूरी की पूरी टिक्की। इसमें डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप बटर और शुगर को आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि वो लाइट और फ्लफी हो जाए। एक बार ये मिक्सचर बहुत अच्छे से जब बीट हो जाता है तब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा और फिर से इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस विस्क को अभी हम निकाल लेते हैं। इसमें अभी डालिए लगभग 75-100 ग्राम ऑफ मेल्टेड चॉकलेट, वेनिला एसेंस, चॉकलेट चिप्स। मैं इसमें पसंद करता हूं थोड़े से बादाम के पीसेस को चॉप करके डालना। और हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने मिक्सी में पाउडर करके रखा है और मिक्स करके रखे हैं सब इंग्रेडिएंट्स को। एक स्पून के हेल्प से आप इसको अभी अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक चीज का ख्याल रखिए कि बटर बहुत ज्यादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए, और एक बार आप जब मैदा डाल देते हैं इसमें तब इसको ओवर मिक्सिंग मत करिए। ये बिस्किट का बेस हमारा लगभग रेडी है। मैं इसको 10 मिनट चिल करने के लिए फ्रिज में रखूंगा, तब तक आई विल स्टार्ट द ओवन फॉर प्री हीटिंग। बिस्किट डो बनाते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो डो है वो या पतला हो जाता है या थोड़ा सा थिक हो जाता है। अगर आपके पास वेइंग स्केल है और इफ यू हैव अ परफेक्ट रेसिपी तो गड़बड़ नहीं होगी, मगर अक्सर केसेस में थोड़ा सा आगे पीछे कंसिस्टेंसी में हो जाता है। नथिंग टू वरी अबाउट, बिस्किट बेकिंग कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। थोड़ा सा अगर आपका बैटर नरम हो गया है या पतला हो गया है, जैसे ये केस में आप इसको ध्यान से देखिए तो मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा पतला है। तो ये केस में आपने सिंपली 1 या 2 टेबलस्पून मैदा और डाल देना है, सो दैट कंसिस्टेंसी डो की नॉर्मल आ जाए और इसको आप मिक्स कर लें। कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि ये बिस्किट डो बहुत थिक हो गया है, मतलब मैदा थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली 2-3 टेबलस्पून उसमें दूध डाल के उसको मिक्स कर लीजिए जब तक वो करेक्ट कंसिस्टेंसी में नहीं आता है। ये जो मैंने आपको रेसिपी प्रोवाइड की है इट इज अ वेरी स्टेबल रेसिपी। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हुए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये बिस्किट डो अभी तैयार है ट्रे पे जाने के लिए।
आपके पास अगर छोटा आइसक्रीम स्कूप है तो आप स्कूप से निकाल के एक एक बॉल डाल सकते हैं, या तो फिर आप स्पून के हेल्प से इसको इस तरह छोटे छोटे बॉल्स, और बस इसी तरह आप सब के सब कुकीज के जो छोटे छोटे बॉल्स है वो बेकिंग ट्रे पे लगा दें। मीनवाइल आपका ओवन जो है प्रीहीट हो चुका होना चाहिए। द राइट बेकिंग टेम्परेचर इज 170 टू 175 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 15 टू 18 मिनट्स। तो चलिए इसको मैं अभी डाल देता हूं प्रीहीटेड ओवन में। तो देखिए दीज बिस्किट्स आर एब्सोल्युटली हॉट आउट ऑफ द ओवन। तो ये बिस्किट्स जैसे ही ओवन से बाहर आएंगे, आप इनके ऊपर हर बिस्किट के ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए, ताकि वो गर्मी में ये चॉकलेट चिप्स हल्के से मेल्ट होके चिपक जाएंगे। ये काम आपको बहुत जल्दी करना है, अदरवाइज एक बार बिस्किट ठंडा हो जाता है तो फिर ये चॉकलेट चिप्स मेल्ट नहीं होंगे। मैं कभी कभी ये जो 10 रुपए के 5 रुपए के जो चॉकलेट्स मिलते हैं मार्केट में, उसको भी आप इस पे लगा सकते हैं। और इन बिस्किट्स के ऊपर मैं अभी आलमंड के बहुत बारीक कटे हुए पीसेस डालूंगा राइट ऑन द चॉकलेट, सो दैट वो चिपक जाएंगे। और अभी आप इसको छोड़ दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट, जब तक ये कुकीज एकदम ठंडे नहीं हो जाते। इन कुकीज के ऊपर आप थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट इस तरह से ड्रिजल कर लें। आप लोगों ने देखा बहुत डिफिकल्ट रेसिपी नहीं है, इट्स अ सिंपल रेसिपी, टू पार्ट्स। पहला पार्ट है द ड्राई पार्ट, एक मिक्सी के पॉट में सब इंग्रेडिएंट्स डाल के ड्राई वाले घुमा दें। द सेकेंड पार्ट इज द वेट पार्ट, एक बोल में बटर और शुगर को अच्छे से क्रीम कर लें, उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स सब के सब एक साथ डाल के मिक्स कर लें। दो गड़बड़ हो सकती है, या तो आपका बिस्किट डो बहुत नरम है या बहुत सख्त है। दोनों का सलूशन है, अगर सख्त है तो 2-3 चमचे दूध डाल दीजिए उसमें, और अगर बहुत सॉफ्ट है तो 2-3 स्पून मैदा डाल दीजिए। नथिंग टू वरी अबाउट, मेरे रेसिपीज आर वेरी वेरी स्टेबल, 10% भी ऊपर नीचे वेट हो जाता है तो भी कुछ होगा नहीं। इसीलिए आपने नोटिस किया है कि ये पर्टिकुलर रेसिपी में मैंने ग्राम्स में कुछ भी नहीं दिया है, बट रेसिपी तभी अच्छी बनेगी जब आप स्टैंडर्ड कप्स और स्टैंडर्ड स्पून्स को लेके उसके मेजरमेंट्स को आप फॉलो करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका बिस्किट डो बनने के बाद यू ऑलवेज यू नो कीप इट इन द फ्रिज फॉर 15-20-25 मिनट तक, जब तक वो डो अच्छे से ठंडा ना हो जाए। उसके बाद आप उसको निकाल के आइसक्रीम स्कूप से, चमचे से, हाथ से, जैसा भी आपको उसके बॉल्स बनाने हैं, बॉल्स बना के आप एक बेकिंग ट्रे पे रख दीजिए, और जैसे ही आप उसको गर्म ओवन में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बिस्किट्स ऐसे ऐसे फ्लैट होते जाएंगे और कुक हो जाएंगे लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में। जब आप उसको ओवन से निकालते हैं तब कुकीज आर वेरी वेरी सॉफ्ट, उसी समय आपने उसके ऊपर चॉकलेट चिप्स या बाहर के जो कमर्शियल चॉकलेट्स होते हैं उसके टुकड़े आपने डाल देने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बेकिंग के पहले ही जब आप उसके बॉल्स बनाते हैं डो के, उस समय ही आप ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स लगा दीजिए। आइदर वे इज ओके। ऊपर से चॉकलेट ड्रिजल करिए, व्हाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, इट इज योर टेक, एज लॉन्ग एज देयर इज lot of chocolate in this triple chocolate almond cookies. इन biscuits को आप एक airtight डब्बे में 3-4 दिन रख सकते हैं, मगर कौन रखना चाहेगा 3-4 दिनों तक। गारंटी के साथ ओवन से निकला, घर में पता चला बच्चों को, 1 घंटे में सबके सब cookies खत्म हो जाएंगे। तो बस आज के cooking class में इतना ही। I am sure you must have enjoyed watching and learning this recipe. मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और कुकिंग क्लास में एक और अमेजिंग फैंटास्टिक डिश के साथ।